इन दिनों ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रहे रिकी पोंटिंग का मानना है कि ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की 2023 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हाल ही में फाइनल में भारत को हराकर 6ठी बार वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी। वनडे वर्ल्ड कप में उनकी बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें घरेलू मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार 2017 में टेस्ट खेला था। 7news.com.australia से बात करते हुए पोंटिंग ने कहा कि मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने के लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में बहुत सारे रन नहीं बनाए हैं। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 26.08 की औसत से 339 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 104 रन रहा है। पोंटिंग ने आगे कहा, कोई भी तब तक मौका पाने का हकदार नहीं है जब तक कि आपके पीछे फर्स्ट क्लास के रनों का ट्रक न हो। मैं नहीं हूँ, वह इसके लायक नहीं है, लेकिन अगर उसे वापस जाने और कुछ फर्स्ट क्लास रन बनाने का मौका मिलता है तो वह जबरदस्ती वापसी कर सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मैक्सवेल ने अभी तक अपना टेस्ट करियर नहीं छोड़ा है। SEN से बात करते हुए मैक्सवेल ने इस पर फैक्ट पर जोर देते हुए कहा था कि इस ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में बहुत अधिक स्थान हासिल करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। मैक्सवेल ने कहा, मैं करंट साइड की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। वे वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को सब्सक्राइब करें।